हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा बेंटन अल्टीमेट सीजन 1 के पहले 20 एपिसोड्स के बारे में। अगर हम पहले 20 एपिसोड्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें ज्यादातर एग्रीगोर, मैप ऑफ इन्फिनिटी और फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बारे में पूरा प्लॉट है। इस वीडियो में मैं इन्हीं तीनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वंशानु और आप देख रहे हैं वंशानु वर्स। और सीजन 1 के पहले एपिसोड से हमें बताया जा रहा है कि एग्रीगोर नाम का एक ऑस्मोसियन जिसने 5 एलियंस को कैदी बनाया हुआ है और सभी वहां से भागकर अर्थ पर छुपे हुए हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले हमें मिलता है बाइवाल्वन, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लैनेट से आया है और अर्थ पर अपने घर वापस जाने की कोशिश में लगा हुआ है। बेन, ग्वेन और केविन उसे प्लमर की मदद से घर भेज देते हैं, पर एग्रीगोर पहले ही आकर बाइवाल्वन को वापस ले जाता है। फिर उन्हें मिलता है गैलापागोस, जो कि अल्डाब्रा प्लैनेट से आया है। एग्रीगोर उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब करना चाहता है और गैलापागोस एक कछुए जैसा दिखता है जो हवा के छोटे और बड़े तूफान क्रिएट कर सकता है। तीसरा एलियन है पैंडोर, जो कि रेडियो एक्टिव पावर वाला एलियन है, जो कि एक जिंदा एटॉमिक बॉम्ब के जैसा है। यह एटॉमिक बॉम्ब इतना पावरफुल है कि इसे एक सूट में रहना पड़ता है और इसके आसपास रहने वाले सभी लोग रेडिएशन से मर सकते हैं या बहुत बीमार भी हो सकते हैं, और सोचो अगर वो सूट से बाहर आ गया तो क्या होगा। चौथा एलियन है एंड्रियस, जो कि एनहांस स्ट्रेंथ वाला एलियन है। वो इतना पावरफुल है कि अर्थक्वेक पैदा कर सकता है और किसी भी हार्ड से हार्ड सबस्पेस के आर पार जा सकता है। फिफ्थ और लास्ट एलियन जिसकी आवाज है रैड। रैड के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के एक्सपर्ट होते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज या क्रिएचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक बार इसने ओमनीट्रिक्स को भी लॉक कर दिया था। एग्रीगोर इन सभी एलियंस को कैप्चर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक ऑस्मोसियन है और अगर वो सभी एलियंस को अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करेगा तो उस पावर का एक छोटा सा परसेंटेज ही उसे मिल पाएगा और वो भी टेम्परेरी होगा। कुछ टाइम बाद वो जो पावर है उसके पास वो गायब हो जाएगा। इसलिए एग्रीगोर उन सबको पकड़कर अपने प्लैनेट ऑस्मोसिस पर ले आना चाहता है, जहां पर वो उन सबकी बॉडी के सारे पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना चाहता है, जिससे वो इनविंसिबल या अल्टीमेट बनना चाहता है। पर कुछ कंडीशंस खराब होने की वजह से पैराडॉक्स की क्वार्ट मशीन को ही मॉडिफाई करके उसने 5 एलियंस को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर उसके बाद ऐसे से ऐसा दिखने लगा। इस फॉर्म में एग्रीगोर को अल्टीमेट एग्रीगोर कहा गया है और किसी भी एलियन से ज्यादा ये पावरफुल है। बेन का कोई भी एलियन इसे हरा नहीं सकता। आगे की वीडियो में आपको बताएगा हीरो नेटवर्क। हेलो गाइस, मैं हूं हीरो नेटवर्क और आज मैं कोलैब करने जा रहा हूं वंशानु वर्स यूट्यूब चैनल के साथ। सो गाइस, जब एग्रीगोर अल्टीमेट एग्रीगोर बन जाता है तो वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा जाता है। इसके लिए गाइस वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के जो भी पीसेस है उन्हें कलेक्ट करने लग जाता है। सो गाइस, जो मैप ऑफ इन्फिनिटी है वो एक तरह की स्पेस टाइम की चाबी है, जिसकी हेल्प से कोई भी कहीं भी पूरे यूनिवर्स में जा सकता है, फिर चाहे वो जगह फोर्ज ऑफ क्रिएशन ही क्यों ना। सो गाइस, जो मैप ऑफ इन्फिनिटी है उसके जो क्रिएटर है वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स, और प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ही मैप ऑफ इन्फिनिटी को 4 भागों में डिवाइड करके उसे पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर छुपा दिया, जिनमें से जो पहली जगह थी वो थी गाइस मैगाडेल्डी टेम्पल। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। सो गाइस, प्रोफेसर पैराडॉक्स ने मैप ऑफ इन्फिनिटी का पहला हिस्सा मैगाडेल्डी टेम्पल में छुपाया गया था। एंड गाइस, इस टेम्पल में काफी ज्यादा एलियन आर्टिफैक्ट भी रखे गए थे, जिनकी सुरक्षा के लिए वहां पे निक्रोफिजन स्पीशीज को रखा गया था, यानी कि गाइस बिगचिल की स्पीशीज। एंड गाइस, ये प्लैनेट आधा सूरज की तरह तपा हुआ यानी कि गर्म लावा से बना हुआ है और इसका आधा हिस्सा बर्फ से भी ठंडा है, जहां पर निक्रोफ्यूजन और वो टेंपल स्थित है। एंड गाइस, इस प्लैनेट की एक खास बात ये थी कि इस प्लैनेट में अगर आप किसी भी प्लम्बर सूट को पहनकर आते या फिर कोई भी स्पेस सूट तो वो सिर्फ 30 मिनट तक यानी कि एक आधे घंटे तक ही टिक सकता था। बट गाइस, किसी ने किसी वजह से एग्रीगोर को वो पहला मैप ऑफ इन्फिनिटी का पार्ट मिल ही जाता। सो गाइस, मैप ऑफ इन्फिनिटी का दूसरा हिस्सा पिसिसिस नामक प्लैनेट पर छुपाया गया था। एंड गाइस, ये पूरा प्लैनेट पानी का बना हुआ है। एंड गाइस, इस प्लैनेट में 90% वाटर है और 10% ही जमीन है, जो कि इसका कोर है, जहां पर मैप ऑफ इन्फिनिटी का एक पार्ट रखा गया। मैप ऑफ इन्फिनिटी का ये हिस्सा इस पूरे प्लैनेट का आकार बनाए रखता था, जैसे कि एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर गूप का बनाए रखता है। गाइस, इस प्लैनेट के कोर तक पहुंचना काफी मुश्किल है। एंड गाइस, एग्रीगोर को भी काफी प्रॉब्लम हुई थी यहां से मैप ऑफ इन्फिनिटी के सेकंड पार्ट को ले जाने में, क्योंकि गाइस जैसे ही मैप ऑफ इन्फिनिटी का सेकंड पार्ट यहां से एग्रीगोर ले जा रहा था, ये पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय होने वाला था। तब गाइस बेंटनीसन ने इस पूरे प्लैनेट को सेव किया था एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की हेल्प से। एंड गाइस, मैप ऑफ इन्फिनिटी का जो थर्ड पार्ट है वो है लेजर डोमेन में। सो गाइस, लेजर डोमेन पूरा ही मैजिक से बना हुआ यानी कि मैना से। लेजर डोमेन में जाने के लिए आपको लेजर डोमेन का पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आपको डोर टू एनीवेयर वहां ले जा सकता है। बेंटनीसन ने चार्मकास्टर की हेल्प ली और लेजर डोमेन में चले गए और वहां पे काफी मुसीबतों से लड़कर वो एडवेटा के पास पहुंचते हैं। सो गाइस, यहां पे जब एडवेटा वहां पर एक मास्टर मजिशियन होता है, काफी मुश्किल से एडवेटा को बेन और उसकी टीम हरा देती है कि एग्रीगोर बड़ी ही चालाकी से उसे मैप ऑफ इन्फिनिटी का थर्ड पार्ट भी ले लेता है।
मैप ऑफ इंफिनिटी का चौथा हिस्सा परप्लेक्सा हेड्रॉन में था। ये जगह स्पेस में क्यूब जैसी है जो कि बहुत सारे बॉक्सेस और रूम से बनी हुई है, और उनमें से एक बॉक्स में गाइस मैप ऑफ इंफिनिटी का लास्ट पीस यानी कि आखिरी हिस्सा है जो कि उस बॉडीगार्ड के साथ वहां रखा गया है। एंड गाइस यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि परप्लेक्सा हेड्रॉन में मिलियन से भी ज्यादा रूम्स या फिर बॉक्सेस हैं जिनमें अलग अलग मुसीबतें आपका इंतजार कर रही होती हैं। सो गाइस एग्रेगोर को मैप ऑफ इंफिनिटी का फोर्थ पार्ट ले जाने में भी यहां पे काफी मुश्किल हुई थी, और जैसे यहां से वो मैप ऑफ इंफिनिटी का फोर्थ पार्ट ले जाता है तो परप्लेक्सा हेड्रॉन पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बेन डेनिसन और उसकी टीम ने एग्रेगोर को रोकने की बहुत सी कोशिश की, बट कोई ना कोई रीजन एग्रेगोर को जिता ही देती थी। उसके बाद गाइस एजमत बेन को बताता है कि मैप ऑफ इंफिनिटी फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाने की चाबी है, और एग्रेगोर का प्लान हमेशा से यही था। एजमत बेन को फोर्ज ऑफ क्रिएशन के बारे में बताता है कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन वो जगह है जहां स्पेस टाइम नहीं है, यानी कि स्पेस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती है, जहां एलियन एक्स की जैसी स्पीसीज यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस रहते हैं। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में आइडियाज हकीकत में बदल जाते हैं, इसलिए एग्रेगोर वहां जाकर बेबी एलियन एक्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता था, जिससे वो पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली बींग बन जाता। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में सभी सेलेस्टियल सेपियन अपना सारा समय डिस्कशन करते हुए बिताते हैं ताकि वो कोई सही फैसला ले सके। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि ये एक नेबुला के अंदर है, और वो नेबुला क्रोनो रैंडमनाइजर बैरियर से ढका हुआ है जिसकी वजह से ये किसी को दिखाई नहीं देता। फोर्ज ऑफ क्रिएशन में सिर्फ टाइम वॉकर और जिसके पास मैप ऑफ इंफिनिटी का हिस्सा हो या फिर वो खुद एक सेलेस्टियल सेपियन हो तभी वो फोर्ज ऑफ क्रिएशन में आ सकता है। यहाँ पर गाइज आपको एक फैक्ट बता दूं कि क्रोनो रैंडमनाइजर बैरियर की फील्ड में टाइम रेज ट्रैवल करती हैं, जिनके थ्रू आप टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, और हमने ऐसा देखा है जब बेन टेनिसन ने उसे टच किया था तो 10 साल का बेन टेनिसन उसके सामने आ गया। कुछ देर बाद एग्रीगोर वहां आता है और चारों लोग यानी कि बेन 10 साल वाला, बेन 16 साल वाला, ग्वेन और केविन चारों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। थोड़े से एक्शन के बाद एग्रीगोर उन सबको आसानी से हरा देता है। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि 10 साल वाला बेन केविन के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी ऑमनीट्रिक से थोड़ी सी पावर एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हें सारी पावर्स मिल जाएंगी। तो केविन उससे कहता है कि अगर मुझे ये करना ही है तो मैं अल्टीमेट रिस्क की पावर को एब्जॉर्ब करता हूँ, और वो अल्टीमेट रिस्क की पावर को एब्जॉर्ब करता है। अल्टीमेट रिस्क की पावर एब्जॉर्ब करने के बाद केविन एक काफी बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, और जो कि एग्रीगोर पर अटैक करने जाता है, और थोड़े से अटैक में एग्रीगोर को हरा देता है। और जैसे ही वो एग्रीगोर को हराता है तो वो एग्रीकोर को पकड़कर उसकी पावर भी अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है, और एग्रीकोर वहीं पर मर जाता है, और एग्रीकोर को फोर्स ऑफ क्रिएशन में वहां पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो इतनी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद केविन जो थोड़ा पागल हो जाता है, और वो बोलता है कि एलियन एक्स की पावर अगर एब्जॉर्ब करनी है तो मैं कर लेता हूं। लेकिन कुछ देर से समझाने के बाद वो समझ जाता है और वहां से चला जाता है अर्थ पर वापस, और इस तरह से हम एग्रीकोर को हरा पाते हैं।